पिता की मौत के बाद एक बेटे ने अपनी माँ को ओल्ड एज होम भेज दिया, लेकिन माँ ने कोई शिकायत नहीं की। एक बार ओल्ड एज होम से बेटे को कॉल आता है कि आपकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनसे आखिरी बार मिल लीजिए। जब बेटा माँ से मिलने पहुंचा तो उसने कहा कि बता माँ, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? तो माँ ने कहा कि बेटा, इस ओल्ड एज होम में पंखे लगवा दे क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है, एक फ्रिज भी लगवा दे क्योंकि बहुत बार मुझे बिना खाना खाए सोना पड़ा था। तो बेटे ने माँ से कहा कि तूने पूरी उम्र शिकायतें नहीं करी, लेकिन मरते हुए तू ऐसी शिकायतें क्यों कर रही है माँ? तो माँ ने क्या कहा पता है? माँ ने कहा कि बेटा, मैंने तो गर्मी, भूख और दर्द बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मुझे डर है कि जिस वक्त तेरे बच्चे तुझे यहाँ पर छोड़ के जाएंगे तो तू ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। माँ माँ होती है, मरते दम तक वो अपने बच्चों के बारे में ही सोच रही होती है। तो क्या हमें हमारे माँ बाप के बारे में नहीं सोचना चाहिए? घर में अच्छा बाप बनना या ऑफिस में अच्छा टीम लीडर बनना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि घर में बाप को बच्चों को साथ लेके चलना पड़ता है और उनका विश्वास जीतना पड़ता है, और कुछ ऐसा ही टीम लीडर को भी करना पड़ता है। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको अच्छा बाप बनने का या फिर अच्छा टीम लीडर बनने का एक टिप देता हूं। अगर आपके घर में आपका कोई बच्चा या फिर आपके ऑफिस में आपका कोई टीम मेंबर आपसे कुछ ऐसी बात शेयर करे या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करे जो कि आपको पहले से पता है, तो आपको उसे ये नहीं कहना कि आई नो दैट या फिर मुझे पहले से ही पता है, आपको उसे ये कहना है दैट यू आर राइट, तुम सही हो। ऐसा करने से उसका मोराल बूस्ट होगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उसका आप में विश्वास भी बढ़ेगा क्योंकि आप उसे अप्रिशिएट कर रहे हो। गाइस, ये इंटरेस्टिंग टिप आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।